गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, मैं बॉटनी से डॉक्टर पिंकी सैनी मेहता पीजी कॉलेज से। लास्ट अपन ने बात की थी कि जो फंजाई होती है उनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी जब बनती है तो किस तरीके से उनके अंदर एस्कोकार्प का निर्माण होता है, यानी उनमें बनने वाले कार्पों का निर्माण होता है, जो कि एक एस्कोकार्प थे, बेसिडियोकार्प थे, वो भी ओपन टाइप के थे या क्लोज टाइप के। आज अपन बात करेंगे कि जो फंजाई है उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे मिलता है उनको। तो आज का अपना टॉपिक है कवक का पोषण या कवक में पोषण। आज अपना टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन इन फंजाई, कवक में पोषण। पहले मैं आपको ये समझा दूं, जो छोटे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फंजाई जो है वो एक ऐसा लोअर क्रिप्टोगेम्स का पार्ट है कि इसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाया जाता। यानी हम क्या कहेंगे इसके अंदर कि क्लोरोफिल पिगमेंट, हरित वर्णक, क्या होते हैं इसके अंदर? एब्सेंट होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट जब एब्सेंट है तो सिंपल सी बात है कि ये अपने प्रकाश संश्लेषण जैसी जो क्रिया है वो नहीं कर पाएंगी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनके अंदर एब्सेंट होगी, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होगी, इसके अंदर एब्सेंट होगी। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एब्सेंट होती है तो फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होने के कारण इनके अंदर क्या नहीं होगा? भोजन का खुद के द्वारा सिंथेसिस नहीं होगा। यानी इसमें क्या एब्सेंट होता है? फोटो सिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं हिंदी में, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी इसमें एब्सेंट होगी। तो फोटोसिंथेसिस भी एब्सेंट है, तो सिंपल सी बात है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एब्सेंट है तो भोजन बनेगा ही नहीं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि फंजाई एक ऑटोट्रॉफिक यानी स्वयं पोषी नहीं होती। फंजाई क्या नहीं होती? ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक नहीं होती, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, यानी कि स्वपोषी, स्वपोषी नहीं होती, नहीं होती है। जब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती तो इसका मतलब भोजन तो इसको चाहिए, तो भोजन के लिए क्या होती है, ये दूसरे जीवों पर डिपेंड होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फंजाई है वो क्या होती है? हेटरोट्रॉपिक, परपोषी या विषम पोषी, विषम पोषी। फंजाई क्या होती है? विषम पोषी। इन सब के कॉन्क्लूजन से क्या रिजल्ट निकलता है कि फंजाई विषम पोषी होती है, यानी दूसरे जीवों पर भोजन के लिए डिपेंड होती है। जब ये दूसरे जीवों पर भोजन के लिए डिपेंड होती है तो इसके डिपेंड रह करके जिनसे ये भोजन का अवशोषण करेगी उसके बेस पर इनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक वे फंजाई जो दूसरे जीवित जीवों से भोजन का अवशोषण करें, एक वो फंजाई जो दूसरे जीवों पर रह करके उनके साथ साथ जीवन यापन करके अपने भोजन का अवशोषण करें, और एक वो फंजाई जो दूसरे मरे हुए जीवों से भोजन का अवशोषण करें। तो हम क्या कहेंगे कि जितनी भी फंजाई हैं ये न्यूट्रिशन के लिए क्या होती हैं? विषम पोषी होती है, यानी कि दूसरे जीवों से भोजन का अवशोषण करती है। जब ये दूसरे जीवों से भोजन का अवशोषण, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि फंजाई एक विषम पोषी क्यों होती है, तो आप कारण बता सकते हो, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट एक एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होने से उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होने का मतलब वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होती। जब ऑटोट्रॉफिक नहीं है तो भोजन तो लेगी लेगी, तो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होती है, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोर्स पे। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है? विषम
पोसी। आज अपन बात करते हैं कि फंजाई एक हेटरोट्रॉफिक है तो वो किस किस टाइप से है, विषमपोषी है तो वो किस टाइप से है। अब अपन इनकी बात करते हैं टाइप्स की। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं इनके टाइप्स की न्यूट्रिशन के बेस पे टाइप। तो नंबर फर्स्ट जो टाइप है वो है पैरासाइट्स फंजाई, परजीवी कवक, परजीवी कवक। नाम है परजीवी, किस पे डिपेंड होगा, दूसरे जीवों पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी फंजाई जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर जीवित हो, जीवित रहे। अब वो दूसरे जीव कौन कौन से होंगे, जैसे मैं एक नंबर पे बताऊं पादप, नंबर दो पर बताऊं जंतु। लेकिन ये दोनों कैसे होने चाहिए, जीवित अवस्था में होने चाहिए, लिविंग स्टेज में होने चाहिए। जब ये पादप और जंतु दोनों जीवित अवस्था में होंगे तब ही ये पैरासाइट्स कहलाएंगे। लेकिन यदि ये जंतु और पादप, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल्स किस में चली जाती हैं, नॉन लिविंग में, यानी कि मृत जीवों के फॉर्मेशन में। जब ये नॉन लिविंग में चली जाएंगी तो हम इनको दोनों को किस में डिवाइड कर देंगे, सेप्रोफाइट्स में। किस में डिवाइड करेंगे, सेप्रोफाइट्स में। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितनी भी फंजाई हैं जब वो पैरासाइट्स के रूप में न्यूट्रिशन को अवशोषित करती हैं तो जिनसे इन्होंने पोषण लिया वो प्लांट्स और वो एनिमल्स कौन सी स्टेज में होने चाहिए, लिविंग स्टेज में होने चाहिए। अगर नॉन लिविंग स्टेज में ये चले जाते हैं तो ये फंजाई जिनसे पोषण लेगी उनका टाइप ही चेंज हो जाता है, वो क्या कहलाता है, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं इन पैरासाइट्स की, जो क्या लेते हैं, अपना पोषण लेते हैं किन से, जीवित जीवों से। ये तो मैंने आपको छोटे पॉइंट्स के फॉर्मेशन में समझाया। अब जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं समझाती हूँ कि ये पैरासाइट्स जिनसे ये भोजन का अवशोषण करते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। नंबर ए पैरासाइट्स, और वो भी ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट्स का हिंदी होता है अविकल्पी, जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता, इनका नाम क्या होता है, अविकल्पी परजीवी। ऐसे परजीवी जिनके पास जीवित रहने के लिए क्या नहीं होता, कोई भी विकल्प नहीं होता। जब इनके पास कोई भी विकल्प नहीं होता तो ये भोजन किससे लेंगी, अपने उसी जीव से। अगर वो पैरासाइट्स इसको नहीं मिलता है तो थोड़े टाइम बाद में उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो दूसरे जीव से कभी भी पोषण का अवशोषण नहीं करेंगी। तो ये किस पे रहेंगे, इसके छोटे छोटे कमेंट्स पॉइंट्स के फॉर्मेशन में मैं आपको बता दूं, ये केवल और केवल किन से पोषण लेंगी, पैरासाइट से पोषण लेंगी। ये पैरासाइट्स हमेशा सेल कैसी होनी चाहिए, लिविंग स्टेज में होनी चाहिए, जीवित अवस्था में होनी चाहिए, यानी कि ये परजीवी के रूप में होनी चाहिए। और ये परजीवी हमेशा कैसी अवस्था में होने चाहिए, जीवित अवस्था में होने चाहिए। जब ये परजीवी जीवित अवस्था में होते हैं तब उनसे पोषण लेंगे, और रेगुलर जब उनसे पोषण लेते रहेंगे, अगर उनकी डेथ हो गई तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कभी भी उनसे पोषण नहीं लेगा। उनकी डेथ होते ही दूसरे टाइप की जो फंजाई हैं, जो सेप्रोफाइट्स के रूप में पाई जाती हैं, वो उनसे पोषण लेना शुरू कर देंगे। अब अपन बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। इनके एग्जांपल हैं एल्बुगो। एल्बुगो जो है वो किस पे पाई जाती है, सरसों पे अपना संक्रमण करती है।
तो सरसों के पादप की जो लीफ होती है उसके ऊपर ये फंजाई यानी एल्बुगो जो कॉन्डिडा है वो किस पे संक्रमण करती है? सरसों के पादप के उसके ऊपर पत्तियों के ऊपर संक्रमण करती है। जब ये सरसों के पादप की पत्तियों पे संक्रमण करती है तो अविकल्पी के रूप में रहती हैं, यानी कि अगर इसको सरसों के अलावा कोई भी दूसरा पादप जैसे चना, गेहूं, बाजरा अगर इसको मिलता है तो उसके ऊपर संक्रमण बिल्कुल नहीं करेगी। दूसरा एग्जाम्पल है इसका पक्सीनिया। पक्सीनिया पक्सीनिया जो है वो हमेशा किस पे संक्रमण करता है? गेहूं पे संक्रमण करता है। अगर उसको गेहूं के अलावा कोई भी दूसरा पादप अगर मिलता है तो वो उसके ऊपर संक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके लिए क्या है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में, एक परजीवी के रूप में, और वो भी कैसा, अविकल्पी, जिसके लिए कोई विकल्प नहीं होता, उसके फॉर्मेशन में ये पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें फैकल्टेटिव, दूसरे फॉर्म में ये पाया जाता है, नंबर बी। फैकल्टेटिव जब ये होता है यानी इसके पास विकल्प जब होता है तो ये पैरासाइट्स के रूप में नहीं, इनके लिए विकल्प कौन होगा, सेप्रोफाइट्स। तो क्या नाम रख दिया जाता है, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स, हिंदी में कहते हैं विकल्पी मृतोपजीवी, विकल्पी मृतोपजीवी। यह जिस बच्चे को यह हेडिंग समझ में आ जाती है उस बच्चे को इसका मीन्स समझ में आ जाता है, केवल एक एग्जांपल याद करना होता है। जैसे इसका नाम है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स, तो नाम से पता चल रहा है किसके रूप में पाया जाएगा, विकल्पी के रूप में, और इसका विकल्प क्या होगा, मृतोपजीवी। इसका विकल्प क्या होगा, मरे हुए जीव होंगे, यानी कि जब कोई पैरासाइट्स है, जब उसको खुद का ऑब्लिगेट पैरासाइट्स नहीं मिलता और उसके लिए एक विकल्प बन जाता है, तो वो विकल्प सिंपल सी बात है कि पैरासाइट्स तो वो रह ही रहा था, जब जीवित जीवों से पोषण ले रहा था तब तक तो वो ठीक है, जीवित के रूप में है, लेकिन अगर उस जीवित जीव की डेथ हो गई, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हो गई, तो अब वो किसकी जैसे रहेगा, मरे हुए फंगस की जैसे रहेगा, डेड फंगस की जैसे रहेगा, तो उसके लिए विकल्प कौन बन गया, सेप्रोफाइट्स बन गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, विकल्पी मृतोपजीवी, क्या रहेगा इसके लिए, विकल्प रहेगा, मरा हुआ जीव। तो ऐसे पैथोजन किसके ऊपर अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, नॉन लिविंग मरे हुए जीवों के ऊपर अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और इसका जो ऐसी जो फंजाई होती है वो उनके लिए विकल्प क्या होता है, पैरासाइट्स जो है वो इनके लिए एक विकल्प होता है। और इसका एग्जांपल होता है पाइथियम, पाइथियम। पाइथियम जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका फ्यूजेरियम। तो ये दो फंजाई ऐसी हैं जो अगर इनको लिविंग पैथोजन नहीं मिलता है तो ये नॉन लिविंग के ऊपर भी आसानी से क्या कर सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा जाता है, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। नेक्स्ट अपन चलते हैं सेकंड टाइप में। फर्स्ट टाइप था पैरासाइट के फॉर्मेशन में, सेकंड बात करते हैं अपन सेप्रोफाइट्स के रूप में। सेप्रोफाइट्स हिंदी में कहते हैं इनको मृतोपजीवी। ये जीव कैसे होंगे, जो मरे हुए जीवों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, नाम है सेप्रोफाइट्स, मरे हुए जीवों से अपना पोषण ले रहे हैं। इसका मतलब इनके लिए न्यूट्रिशन क्या होगा, डेड ऑर्गेनिक
मटेरियल, मृत कार्बनिक पदार्थ, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मृत कार्बनिक पदार्थ। तो ये क्या लेंगे, मरे हुए जो जीव होते हैं उनमें से भी कार्बनिक पदार्थ को जो इनके लिए उपयोगी होता है उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। जैसे ही ये मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण का अवशोषण करते हैं तो उनसे अवशोषण करके और अपने भोजन की क्या कर लेते हैं, पूर्ति कर लेते हैं। अब अपन चलते हैं इनके टाइप्स से कि सैप्रोफाइट्स जो हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स। ऑब्लिगेट का मतलब जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, यानी कि अविकल्पी मृतोपजीवी, जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, केवल और केवल किस पे रहेगा, मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करेगा। अब मरे हुए कार्बनिक पदार्थों से कैसे पोषण प्राप्त करते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई डेड लिविंग एनिमल्स या प्लांट्स इनको मिलता है तो सबसे पहले उनके ऊपर अपने एंजाइम सीक्रेट करते हैं। उन एंजाइम्स के द्वारा क्या करते हैं, उसकी बॉडी के जो कंपाउंड्स हैं, जो समूह है, जो उसके संगठन है, उस संगठन को क्या करते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। जैसे ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो क्या बन जाते हैं, सिंपल कंपाउंड बन जाते हैं, साधारण समूह बन जाते हैं, साधारण प्रकार कंपोजिशन बन जाती है। उन सिंपल कंपाउंड में से ये क्या करते हैं, कार्बनिक जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसको अपने भोजन के रूप में, अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, नॉन लिविंग से, मृत कार्बनिक पदार्थों से क्या लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को मृत कार्बनिक समूह, जो कंपाउंड्स होते हैं, जो ग्रुपिंग होते हैं, उनको क्या करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करके, एंजाइम को स्रावित करके और किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल कंपाउंड में, सिंपल कंपाउंड में, साधारण समूह में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इन सिंपल कंपाउंड में से ये क्या करते हैं, केवल ऑर्गेनिक मैटर को, केवल कार्बनिक पदार्थ को, केवल और केवल ऑर्गेनिक मैटर को, कार्बनिक पदार्थ को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि उसको अवशोषित कर लेते हैं। जैसे ही ये उन कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं तो इन कार्बनिक पदार्थों को किसके रूप में यूज कर लेते हैं, भोजन के रूप में यूज कर लेते हैं, उसे ये अपने भोजन के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से के लिए एंजाइम सीक्रेट करते हैं, पहले उन जो कंपाउंड टाइप के, जो समूह टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं उनको सिंपल ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फिर उनमें से कार्बनिक कार्बनिक जो पदार्थ उनके यूज का होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसको भोजन के रूप में यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनके नेक्स्ट टाइप की कि कार्बनिक तो है ही है, अब ये इनके पास अगर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिला तो फिर ये किस फॉर्म में भोजन का अवशोषण करेंगे। जब इनको डेड ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिलता है तो फिर ये क्या करते हैं, फैकल्टेटिव के रूप में रहते हैं। फैकल्टेटिव जब होते हैं तो सिंपल सी बात है कि वैसे ही दूसरों पर डिपेंड है, अब ये फैकल्टेटिव के रूप में रहेंगे किसके ऊपर, पैरासाइट्स के ऊपर, किसके रूप में पाए जाएंगे, पैरासाइट्स के रूप में, यानी विकल्पी परजीवी, किसके फॉर्मेशन में पाए जाएंगे, विकल्पी परजीवी के रूप में, विकल्पी परजीवी। जब ये विकल्पी के परजीवी के रूप में पाए जाते हैं तो इसके लिए यहीं से नाम से पता चल रहा है, विकल्प तो है इनके पास, क्या, पैरासाइट्स, परजीवी, परजीवी क्या है इनके लिए, विकल्प है। इसका मतलब जब इनको सैप्रोफाइटिक मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलते हैं
तो ये जीवित जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। जब ये जीवित जीवों से भोजन का अवशोषण करते हैं तो वो इनके लिए क्या कहलाते हैं? विकल्पी परजीवी। तो विकल्प बन गया इनके लिए। और इस प्रकार के वैकल्पिक जो परजीवी होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं राइजोपस। राइजोपस जो है वो एक ऐसी फंजाई है जिसको यदि मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलता है तो ये जीवित कार्बनिक पदार्थों से भी क्या कर लेती है? भोजन का अवशोषण कर लेती है। दूसरा एग्जाम्पल होता है इसका एस्परजिलस। एस्परजिलस इसका भी हिंदी में नाम राइजोपस ही होता है, राइजोपस। और इसका भी हिंदी में नाम एस्परजिलस होता है। तो ये किसके रूप में? एक जीवित जीवों के रूप में रह करके भी क्या कर लेती हैं? अपने भोजन का अवशोषण कर लेती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड नंबर की। अपन ने बात की एक पैरासाइट्स की और एक सेप्रोफाइट्स की। नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक फंजाई, हिंदी में कहते हैं सहजीवी कवक। सहजीवी कवक नाम से पता चल रहा है, क्या पाए जाएंगे? साथ साथ पाए जाएंगे। यानी ये एल्गी किसी फंजाई के साथ, ये फंजाई किसी एल्गी के साथ, ये फंजाई किसी बैक्टीरिया के साथ, ये फंजाई किसी जिम्नोस्पर्म के साथ, ये फंजाई किसी एंजियोस्पर्म के साथ क्या करती हैं? साथ साथ रह करके उनसे पोषण का अवशोषण करती हैं और फिर अपने जीवन को यापित करती हैं। तो इनमें मैं पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ कि एल्गी प्लस फंजाई, ये फंजाई आई गया एल्गी, इन दोनों का रिलेशन तो क्या कहलाता है? लाइकेन, सेवाक। अब दोनों के काम अलग अलग हैं। कुछ रॉ मटेरियल स्टोर करने का काम करती है तो कुछ फूड मटेरियल को प्रिपेयर करने का काम करती है। जैसे भोजन बनाने के लिए हमें जल की भी ज़रूरत है, इन पादपों को भोजन बनाने के लिए इनको पानी की भी ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत भी है और साथ में मिनरल्स की ज़रूरत भी है। तो कार्बनिक पदार्थ, मिनरल्स और पानी और ऑक्सीजन गैस या CO2 गैस, इन सब की जहाँ मतलब सब रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग कईयों में CO2 की जगह ऑक्सीजन की ज़रूरत भी होती है जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर। तो इनके अंदर जो रॉ मटेरियल है उनको अवशोषित करने का काम, जैसे जल, जैसे CO2 गैस, जैसे खनिज लवण, जैसे इनको सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा, ये सब काम तो कौन करती है? फंजाई। और इस रॉ मटेरियल से भोजन बनाने का काम कौन करती है? एल्गी। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि फंजाई क्या करती है? सोइल में रह करके या दूसरे प्लांट्स के साथ सहजीवी के रूप में रह करके जल है, खनिज लवण है, गैसेज हैं, इनका अवशोषण करती है और किसको दे देती है? एल्गी को। और एल्गी के खुद के पास पिगमेंट प्रेजेंट होता ही है। इस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण एल्गी क्या करती है? भोजन का निर्माण करती है। और जैसे ही ये एल्गी भोजन का निर्माण करने लग जाती है तो इसमें सिंपल सी बात है कि भोजन का जब निर्माण होगा तो दोनों यूज करेंगी, दोनों यूज में करेंगी, तभी तो साथ साथ जीवन यापन कर पाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि फंजाई जब एल्गी के साथ सहजीवी के रूप में पाई जाती है तो उसे हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। और ये रिलेशन जब केवल एल्गी और फंजाई के बीच में पाया जाता है तो उस रिलेशन का नाम स्पेसिफिक रख दिया जाता है, लाइकेन। तो इसके अंदर दो फंक्शन हो गए, एक एल्गी का और एक फंजाई का, कि फंजाई रॉ मटेरियल अवशोषित करेगी और एल्गी उसके द्वारा भोजन का निर्माण करती है।
और इस तरीके का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, एक एल्गी, एल्गी के साथ एक फंजाई। एक एग्जाम्पल मैं और समझा देती हूँ कि फंजाई जो है वो किसके साथ पाई जाती है, पाइनस के साथ भी पाई जाती है, पाइनस की रूट के अंदर भी पाई जाती है। तो जो ये सिम्बायोटिक रिलेशन है ये जिसके साथ पाया जाता है, जैसे एल्गी के साथ पाया गया, पाइनस के साथ पाया गया, नीटम के साथ पाया गया, राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ पाया गया, तो इनका ये रिलेशन दो प्रकार से पाया जाता है, जिसको मैं आगे समझाती हूँ कि एक होता है एक्टोमाइकोराइजा के रूप में और एक होता है एंडोमाइकोराइजा के रूप में। नंबर एक, एक्टो माइको राइजा, और नंबर बी होता है एंडो माइको राइजा। नाम है एक्टो माइकोराइजा, एंडो माइकोराइजा। एक्टो का मतलब ही क्या है, बाह्य, और एंडो का मतलब आंतरिक। ऐसा माइकोराइजा जो जिस होस्ट सेल के साथ या जिस सिम्बायोटिक रिलेशन में वो रह रहा है उसकी कोशिका की केवल बाह्य जो सेल्स हैं उसी के ऊपर कार्य करे। यदि वो उसके ऊपर ना रह करके उसकी सेल के अंदर प्रवेश करके करता है तो दो प्रकार का फिर डिवाइड हो जाता है। अगर उसकी सेल के बाहर रह करके फिर क्या करता है, उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और जैसे उसमें फूड का प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, भोजन का निर्माण हो जाता है, फूड रिजर्व हो जाता है, तो वो उसको यूज कर लेता है। ये पूरी सरफेस यदि आउटर सरफेस पे कंप्लीट होती है तब तो उसका नाम हो जाता है एक्टोमाइकोराइजा, लेकिन वो अंदर हो कोशिका के अंदर अगर ये प्रोसेस होती है तो फिर इसको दो में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है इंटर सेलुलर एंडो माइकोराइजा और एक होता है इंट्रा सेलुलर एंडो माइकोराइजा। एक होता है इंटर सेलुलर, अंतर कोशिकीय, इसको कहते हैं अंतर कोशिकीय अंतः माइकोराइजा, और एक होता है इंट्रा इंट्रा सेलुलर। इंट्रा शब्द से ही जान जाना कितनी सेल यूज होंगी, सिंगल सेल इंट्रा सेलुलर, और ये है इंट्रा सेलुलर यानी कि मल्टी सेलुलर। कौन सी स्टेज होगी, मल्टी सेलुलर स्टेज होगी। मैं डायग्राम से समझाऊं, ये एक सेल बनी हुई है, ये इसके पास दूसरी सेल है, ये इसके पास और सेल बनी हुई है। इधर भी मैं डायग्राम से समझाती हूँ कि ये एक सिंगल सेल, ये इसके साथ दूसरी सेल, ये इसके साथ और सेल। यदि ये एंडोमाइकोराइजा अपनी लाइफ साइकिल केवल एक ही सेल में कंप्लीट करे, ये किस में कंप्लीट करे, एक ही सेल के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले, तब तो उसका नाम क्या होता है, इंट्रा सेलुलर एंडोमाइकोराइजा। और यदि ये प्रोसेस किस में हो, एक से ज़्यादा सेल में प्रेजेंट हो, तब इसका नाम क्या होता है, इंटर सेलुलर एंडो माइकोराइजा। अब मैं आपको इसके दोनों के अलग अलग एग्जांपल समझाती हूँ कि एक्टोमाइकोराइजा जो है इसका एग्जांपल है पाइनस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाइनस की जो रूट होती है उसके अंदर माइकोराइजा केवल उसके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी कि उसकी जो आउटर सेल वॉल होती है, रूट की जो एपिब्लोमा सेल्स होती हैं उनके ऊपर पाया जाता है, और एंडोमाइकोराइजा जो है वो पाया जाता है किस में, ऑर्किड में। इसका एग्जांपल है ऑर्किड। ये दो एग्जांपल जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं कि ये एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा किस फॉर्मेशन में पाया जाता है। यदि एक्टोमाइकोराइजा के रूप में है तो वो पाइनस की रूट में पाया जाता है, और यदि एंडोमाइकोराइजा के रूप में है तो वो ऑर्किड्स के अंदर पाया जाता है। तो आज अपना ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ कि जितनी भी फंजाई होती हैं उनके अंदर पोषण किस किस टाइप से मिलता है।
तो मैं आपको एक बार इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा दूं कि इन फंजाई के अंदर पोषण के लिए इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फंजाई एक हेटरोट्रॉफिक होती है, विषमपोषी होती है, खुद का भोजन स्वयं नहीं बना सकती क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता। क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होने से इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होने से ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होती। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की। फर्स्ट टाइप था पैरासाइटिक फंजाई, जो दूसरे जीवों पर भोजन के लिए डिपेंड होती है। जब ये दूसरे जीवों पर भोजन के लिए डिपेंड होती है और उसके लिए कोई विकल्प नहीं होता तो वो कहलाती है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, जैसे एल्बुगो और पक्सीनिया। ऐसी है कि अगर सरसों के प्लांट की डेथ हो गई ना तो उसके बाद में ये परजीवी किसी दूसरे जीव के ऊपर अपना जीवन यापन नहीं करेगा। अगले वर्ष के लिए ये अपने स्पोर को सेफ जोन में पटक देता है और जब नेक्स्ट ईयर वापस सरसों का खेत उगाया जाता है या किसी खेत में सरसों बिजाई जाती है तो वापस वो ग्रोथ करेगा। तो ये तो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। नेक्स्ट बात करती हूँ, ऑब्लिगेट तो थी लेकिन उसको ऑप्शन मिल गया, यानी कि पैरासाइट अगर ख़त्म हो गया तो वो दूसरे पे जीवन यापन कर लेगी, जैसे पाइथियम। पाइथियम एक पैरासाइटिक फंजाई है लेकिन अगर इसको पैरासाइट्स नहीं मिला, एक परजीवी जीवित लिविंग स्पर्म जो है अगर इसको नहीं मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये नॉन लिविंग के ऊपर भी मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी एक विकल्प के रूप में रह सकती है, जैसे फ्यूजेरियम, जैसे पाइथियम। नेक्स्ट बात करती हूँ सेकंड की, सेप्रोफाइटिक मृत कार्बनिक पदार्थों के रूप में पाई जाती है। सिंपल सी बात है कि डेड जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनसे ये भोजन का अवशोषण करेगी। अगर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मिला तो उसको विकल्प की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो किस में चली जाएगी, ऑब्लिगेट में, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। किसी विकल्प की ज़रूरत नहीं है इसको, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मिला उसी को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करेगी और उन सिंपल कंपाउंड से क्या करेगी, ये न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कर लेगी। और यदि इनको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर ये किसके रूप में चली जाएगी, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के फॉर्मेशन में आ जाएगी। फैकल्टेटिव इसके लिए पैरासाइट्स क्या है, एक ऑप्शन है। मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं मिला तो दूसरे जीवों पर जीवित जीव के रूप में रहेगी और इसका एग्जांपल है राइजोपस और एस्परजिलस। थर्ड मैं बात करती हूँ सिम्बायोटिक फंजाई की, नाम है सिम्बायोटिक, सहजीवी के रूप में पाई जाती है। ये फंजाई सहजीवी के रूप में पाई जाती है तो उनके रिलेशन के नाम रख दिए जाते हैं। जैसे आपके सिलेबस में लाइकेन है तो लाइकेन एक एल्गी और एक फंजाई का रिलेशन है, जिसमें एल्गी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करती है और उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको फंजाई एब्जॉर्ब करती है। फंजाई एब्जॉर्ब करके और उस एल्गी को क्या प्रदान कर देती है, वो रॉ मटेरियल। फंजाई के पास पिगमेंट है ही, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, अब ये भोजन को अपनी ज़रूरत के अनुसार क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो इसके दो एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल है इसका पाइनस और एक एग्जांपल है इसका ऑर्किड। तो इसको भी दो में डिवाइड कर दिया जाता है, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। जो केवल आउटर सरफेस पे पाई जाती है उसका एग्जांपल है पाइनस, यानी कि पाइनस के जो रूट है उसके ऊपर फंजाई एक आउटर जो उसकी एपिब्लोमा जो सेल्स है, एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर पाई जाती है। लेकिन ऑर्किड किसका एग्जाम्पल्स है, एंडोमाइकोराइजा का, मतलब ऑर्किड्स की जो रूट्स होती हैं उनकी जो इंट्रासेलुलरी स्पेस जो होता है उस पर और जो इंट्रासेलुलरी स्पेस होता है उनके ऊपर ये फंजाई क्या करती हैं, भोजन का अवशोषण करती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है कि फंजाई में प्रिजर्व फूड मटेरियल या रिजर्व फूड मटेरियल क्या पाया जाता है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई, कवक में संचित भोज्य पदार्थ, कवक में संचित भोज्य पदार्थ,
रटने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें समझने की ज़रूरत होती है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि फंजाई क्या है, हेटरोट्रोपस है, खुद भोजन नहीं बना रही है। इसका मतलब जब खुद भोजन बनाती तो सेलुलोज के फॉर्मेशन में स्टोर करती। क्यों? क्योंकि वो अपने भोजन को एक ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के रूप में बनाती है, तो ग्लूकोज स्टोर होता है सेलुलोज के फॉर्मेशन में। इसीलिए जितनी भी फंजाई होती हैं इनके अंदर संचित भोजन किसके रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में, काइटिन के रूप में, ऑयल ड्रॉप के रूप में या फिर फैट के रूप में। तो संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन, काइटिन, ऑयल ड्रॉप और फैट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि फंजाई में संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है। वो एक अलग बात है कि हम फंजाई के जब अलग अलग टाइप पढ़ेंगे तो कुछ में हम पढ़ेंगे कि काइटिन के रूप में संचित पाया जाता है, कुछ में हम पढ़ेंगे कि ग्लाइकोजन के रूप में संचित पाया जाता है, कुछ में हम पढ़ेंगे कि वो ऑयल ड्रॉप के रूप में संचित होता है, कुछ के अंदर वो फैट के रूप में संचित होता है। लेकिन होता ज़रूर है, लेकिन कभी भी सेलुलोज के फॉर्मेशन में। लेकिन कुछ फंजाई इसके अपवाद भी मिलेंगे। कौन से वाले? जिन फंजाई के अंदर पिगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, उन फंजाई के अंदर ज़रूर वो ग्लाइकोजन की जगह पर सेलुलोज के फॉर्मेशन में या ग्लूकोज के फॉर्मेशन में स्टोर हो जाएगा। तो हम याद इसको एक लाइन में करते हैं कि जितनी भी फंजाई होती हैं उनके अंदर संचित भोजन किसके रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में, काइटिन के रूप में, ऑयल ड्रॉप के रूप में और फैट के रूप में इनके अंदर संचित भोजन पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं कि फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो किस टाइप से होता है। फंजाई के रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो लोअर क्रिप्टोगेम्स है, तो सिंपल सी बात है कि फंजाई जब अपना रिप्रोडक्शन करेगी तो मेथड्स के द्वारा करेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन, कि फंजाई में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। रिप्रोडक्शन, जनन, हिंदी में कहते हैं इसको जनन। तो जितनी भी फंजाई होती हैं उनके रिप्रोडक्शन की मेन रूप से तीन मेथड पढ़ते हैं, और तीनों मेथड्स जो हैं वो अलग अलग फंजाई में अलग अलग टाइप से होती हैं। जैसे नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, यानी कि फंजाई का कोई भी कायिक भाग जो है वो क्या करेगा, टूटेगा, सेपरेट होगा और फिर वापस जनन कर लेगा। इसका मतलब कोई भाग टूटा और टूट करके दोबारा जनन कर रहा है तो कब होगा? केवल और केवल फेवरेबल कंडीशन में। यानी हम ये कह सकते हैं इसके लिए कि फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में होता है। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी में कहते हैं इसको अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और लास्ट बचता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अब एक एक के बारे में बात करते हैं अपन डिटेल से। सबसे पहले मैं बात करती हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, कायिक जनन के बारे में, कि कायिक जनन उसका कोई भी बॉडी का एक पार्ट टूटेगा और टूट करके नई माइसिलियम का निर्माण कर लेगा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बहुत सारी मेथड्स हैं जिनको अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट मेथड है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं विखंडन, यानी कि फंजाई की बॉडी क्या होगी, छोटे छोटे खंडों में टूटेगी और प्रत्येक खंड क्या बना लेगा, अपने नए माइसिलियम का थैलस बना लेगा। सपोज करो कि ये फंजाई है, इस फंजाई में ये इसका न्यूक्लियस है,
ये इसकी वैक्यूल्स हैं, ये इसका पूरा साइटोप्लाज्मा है। जैसे ही इसको बहुत अधिक फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं तो ये सबसे पहले क्या करती है, अपने सेल की साइज को बढ़ाती है। इसने अपनी सेल की ये साइज बढ़ाई और साइज बढ़ा करके क्या करेगी, अपने न्यूक्लियस का डिवीजन करेगी, अपने साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेगी और जितने इसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उन सब का भी क्या कर लेगी, डिवीजन। डिवीजन करने के बाद में ये किसका फॉर्मेशन कर देगी, इस भाग से सेप्टा का फॉर्मेशन कर देगी। इस तरीके से यहाँ पर क्या बना देगी, सेप्टा, पट का निर्माण कर देगी। और जैसे ही पट बनेगा तो ये दो सेल विखंडित हो जाएंगी। हर एक सेल के अंदर उसका साइटोप्लाज्मा भी होगा और हर एक सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। तो एक सेल ने अपने खंड बनाए और दो खंड, तीन खंड, चार खंड, कितने भी ये बना सकती है, लेकिन बनाएगी फ्रैगमेंट और हर एक फ्रैगमेंट अब किसका निर्माण कर देगा, फंजाई का निर्माण करता है। तो ये मेथड क्या कहलाती है, फ्रेगमेंटेशन। सिंपल भाषा में कहूँ तो कि फंजाई को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, जब अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, तो फंजाई भोजन का अवशोषण करके अपने आकार को बड़ा बना लेती है और अपने आकार को बड़ा बना करके क्या करती है, अपने साइटोप्लाज्म को, अपने न्यूक्लियस को, अपने ऑर्गेनल्स को दो खंडों में विभाजित कर देती है और प्रत्येक खंड अपने एक कोशिका के साथ क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है और हर एक खंड बाद में क्या करता है, नए थैलस का निर्माण कर लेता है। और इस प्रकार के जो फंजाई है वो पाई जाती है किसमें, एग्जाम्पल है इसका म्यूकर, म्यूकर और राइजोपस। किसमें पाई जाती है, म्यूकर में और राइजोपस में। तो दो एग्जाम्पल्स जो हैं वो याद रखना ज़रूरी है इनके, कि म्यूकर के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन मेथड द्वारा होता है और राइजोपस में भी फ्रेगमेंटेशन मेथड्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप जो आता है इसका वो आता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। बाइनरी माने टू, फिजन माने विखंडन, दो खंडों में विखंडित होना, द्विविखंडन, द्विखंडन, द्विखंडन, बाइनरी खंडन। नाम से पता चल रहा है बाई माने टू, खंड माने फ्रैगमेंट, दो खंडों में टूटेगी। यानी फंजाई क्या करेगी, अपने भोजन का अवशोषण करेगी और भोजन का अवशोषित करने के बाद में वो क्या करती है, अपनी बॉडी को केवल फिक्स है दो खंडों में डिवाइड करेगी, तो बाइनरी फ्यूजन नाम रखा जाता है। एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, कोई भी दो खंड आपस में जुड़ जाएं, तो फ्यूजन की प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन के समय, फ्यूजन की प्रोसेस होती है फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के समय। तो मैं आपको इसको डायग्राम से समझाती हूँ कि मान लो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके अदर ऑर्गेनल्स हैं, ये इसका साइटोप्लाज्म है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी तो ये अनुकूल परिस्थितियों में क्या करेगी, इसके दो खंड बना देगी। हर एक खंड जो है वो अपने साइटोप्लाज्म और अपने न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है इस तरीके से। तो फिक्स दो खंड बने, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन जो है वो पाया जाता है यीस्ट में। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, यीस्ट, यीस्ट किस में पाया जाता है, ये यीस्ट में पाया जाता है, कि इस तरह का फिजन जो है वो यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड, बडिंग द्वारा। ये स्लाइड इसमें प्लीट, नेक्स्ट मैं समझाती हूँ इसके अंदर कि बडिंग के द्वारा जो है वो किस टाइप से होता है। उस नाम है बडिंग, तो क्या बनेंगी, बड बनेंगी इसके अंदर, यानी कि भोजन का अवशोषण करके और क्या बना लेगी, आउटग्रोथ बना लेगी, अपनी अतिवृद्धि कर लेगी वो, बडिंग। बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन, मुकुलन विधि द्वारा।
और इसका एग्जाम्पल भी आपको मैं यही याद करवा देती हूँ, यीस्ट में। ये भी किस में होता है? यीस्ट में होता है। अब अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। सपोज करो कि ये फंजाई है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके अदर ऑर्गेनल्स हैं और ये इसका साइटोप्लाज्म है। जैसे ही इसको पोषण मिलता है तो ये इस पोषण के द्वारा क्या बना लेती है? अपनी ही बॉडी के ऊपर इस तरीके से आउटग्रोथ बना लेती है। इस आउटग्रोथ का कनेक्शन इसी सेल्स के द्वारा होता है और इस तरीके से ये इसमें क्या कर लेती है? भोजन का अवशोषण करके फूड मटेरियल स्टोर कर लेती है और फिर इसमें न्यूक्लियस का और दूसरे जो अदर ऑर्गेनल्स होते हैं उन सब का डिवीज़न हो जाता है। डिवीज़न होने के बाद में ये क्या कर लेती है? अपनी इस तरीके से ग्रोथ कर लेती है। इसके ऊपर फिर और बढ़ती हुई चली जाती हैं। उन सब के अंदर भी इनके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। फिर इसी तरीके से ये और बढ़ती हुई चली जाती है तो ये क्या बना लेती हैं? ऐसे ही चैन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, चैन के समान संरचना बना लेती हैं। और जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो ये हर एक जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाती है? इस तरीके से सेपरेट हो जाती है। और हर एक सेपरेट होने वाली ये सेल्स क्या बना लेती है? वापस अपनी एक फंजाई का निर्माण कर लेती है। तो ये वापस क्या बन जाती हैं? न्यू फंजाई बन जाती हैं, नई फंजाई का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो इस मेथड का नाम क्या होता है? बडिंग मेथड। कि इस तरीके से इसके अंदर धीरे धीरे बड बनने लग जाते हैं। एक आता है जेमी और एक आता है क्लेमाइडोस्पोर। तो जेमी और क्लेमाइडोस्पोर ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि बडिंग द्वारा, बाइनरी फ्यूजन द्वारा और फ्रेगमेंटेशन द्वारा ये तो एक कॉमन टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो लगभग लगभग सभी फंजाई में पाया जाता है। लेकिन पर्टिकुलर जेमी के द्वारा जो है वो प्रोलिग्निया टाइप की जो फंजाई होती है उनके अंदर पाया जाता है। और क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा भी पर्टिकुलर जो फंजाई होती है, क्लेमाइडोस्पोर जिसमें बनते हैं केवल उन्हीं के अंदर बनता है। तो दो स्पेसिफिक प्रकार के डिवीजन हैं जिनके मैं बात करूं आगे नेक्स्ट नंबर पे। जेमी द्वारा नेक्स्ट बात करती हूँ, दोनों को एक साथ ही समझा देती हूँ। एक होता है जेमी द्वारा और एक होता है क्लेमाइडोस्पोर द्वारा। तो बात करते हैं नेक्स्ट नंबर डी पर। जेमी, जिसको हिंदी में लिखा मिलता है गैमी द्वारा, नाम है गैमी। तो इनके ऊपर क्या होते हैं कि इस तरीके से थिन वॉल के द्वारा जुड़ी हुई गैमी होती हैं। ये होती हैं गैमी। जैसे इनको न्यूट्रिशन मिलता है तो ये गैमी, ये जो बीच में थिन वॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर सेप्टा का काम करती है। और ये सेप्टा क्या हो जाते हैं? सेपरेट। और जेमी क्या हो जाती हैं? फ्री हो जाती हैं। जैसे ये गैमी फ्री हो जाती हैं तो वापस अपनी नई जनरेशन शुरू कर देती हैं। और इसका एग्जाम्पल है प्रोलिग्निया। ऐसा किस में पाया जाता है? केवल एक ही एग्जाम्पल है इसका, प्रोलिग्निया। इसलिए ये एग्जाम्पल क्या है इसके लिए? एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, वो पाया जाता है क्लेमाइडोस्पोर। तो नाम से ही पता चल रहा है क्या बनेंगे? क्लेमाइडोस्पोर बनेंगे। तो क्लेमाइडोस्पोर जो बनते हैं वो इस तरीके से बड़े आकार के बनते हैं और इस तरीके से एक ही के अंदर बहुत सारे स्पोर भरे हुए होते हैं। और इनके जो स्पोर होते हैं इनके चारों तरफ थिक वॉल पाई जाती है। बस यही अंतर है, इनके चारों तरफ थिन होती है, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। इनके चारों तरफ ये जो वॉल होती है वो थिक टाइप की होती है और इसके अंदर जो स्पोर भरे हुए होते हैं ये स्पोर ही क्या कहलाते हैं? क्लेमाइडोस्पोर कहलाते हैं। और ये क्लेमाइडोस्पोर जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ ख़त्म हो जाती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो उनके अंदर क्या हो जाते हैं? ये सेपरेट हो जाते हैं। और ऐसे जो हैं वो बनते हैं किसमें? फ्यूजेरियम में। तो इसका एग्जाम्पल है फ्यूजेरियम। तो ये दो टाइप से बनते हैं, या तो उसके टिप पार्ट पे बनते हैं या फिर उसके इंटरमीडिएट पार्ट पे बनते हैं। यदि ये क्या हो, पूरे एक ही टिप पार्ट पे बनेंगे तब तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है? टर्मिनल।
जैसे मैं बात करूँ इसकी पार्ट की अकेले की, कि ये पार्ट बना और ये यहीं से जुड़ा हुआ है, तब तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है, टर्मिनल, टर्मिनल पार्ट। और यदि इसी तरीके से बहुत सारी ये स्पोरिंजिया बनती जाएं क्लेमाइडोस्पोर के फॉर्मेशन में, तो उनका नाम रख दिया जाता है इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर। तो आज का टॉपिक अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था कंप्लीट। कल अपन करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें किस टाइप से होता है।